नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। आज हम कक्षा चौथी में पाठ नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, आजादी। आजादी तो भाई सबको पसंद है। तो चलो बच्चों, हम इस पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप एक लड़का देख रहे हो जिसका नाम धनी है और इसकी ये छोटी सी बकरी है। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। मतलब धनी को मालूम था कि भाई आश्रम में कोई बड़ी योजना, मतलब कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है वहाँ पर, लेकिन उसको कोई कुछ बता नहीं रहा है। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, मैं 9 साल का, मतलब वो 9 ईयर्स का है, इसलिए उसको कोई नहीं बता रहा है। धनी मन ही मन कहता है कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ा है। मतलब धनी को जानना था कि उस आश्रम के अंदर कौन सी योजना बन रही है और उसे कोई क्यों कुछ नहीं बता रहा है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। तो बच्चों, आपने अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम तो आपने देखा होगा, जो साबरमती नदी के किनारे है, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरफ वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। मतलब पूरी भारत से लोग वहां पर रहने के लिए आते थे और वो सारे लोगों का मकसद एक ही था, उनको क्या चाहिए थी? आजादी, मतलब स्वतंत्रता। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। तो बच्चों, आपने साबरमती आश्रम अगर आप जाओ तो वहां पर आप चरखे देख सकते हैं, जहां पर वो लोग खुद अपने हाथ से कपड़ा बुनते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। मतलब उस आश्रम में जितने भी लोग रहने के लिए जाते थे उनको कोई ना कोई काम करना पड़ता था, जो अभी आपने देखे, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, मतलब ये सारे काम उनको करने पड़ते थे। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो आपने यहाँ पर धनी के साथ में बिन्नी का नाम भी सुना, तो बिन्नी एक बकरी का नाम है जिसको धनी बहुत ही पसंद करता था और बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और धनी को उस बिन्नी से बात करना बहुत ही अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। जो वो छोटा सा बच्चा है वो अपनी बकरी से कह रहा है, बिन्नी से कह रहा है, भाई कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। वो मतलब अपनी छोटी सी जो बकरी है उससे ये बातें करता है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी, कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। जब धनी बिन्नी से ये बात करा रहा कि भाई कोई योजना बनाई जा रही है, तो भाई बिन्नी ने क्या किया, घास से बात हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने तो बस ऐसे नॉर्मली ही अपना सिर हिलाया। अब क्या होता है कि भाई धनी को भूख लगती तो वो माँ के पास रसोई घर में जाता है और माँ वहां पर चूल्हा फूंक रही होती है और कमरा था वो पूरा धुएं से भर गया था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे। यात्रा, मतलब धनी ने ये सुना, यात्रा कहाँ जा रहे हैं, धनी ने सवाल किया। समंदर के पास कहीं, अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। मतलब बिंदा नाम का एक शख्स था, वो बूढ़ा था जो आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। मतलब बिंदा चाचा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? मतलब धनी को ये सब जानने की बहुत ही उत्सुकता थी कि भाई वहां पर कौन कौन लोग जा रहे और कहाँ जा रहे और क्यों जा रहे। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक वो
चबा रही है। तो बिंदा चाचा ने बोला कि भाई मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप इस बकरी को बांधो क्योंकि वो मेरा पालक चबा रही है और उसको खराब कर रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समंदर के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। बिंदा चाचा ने बताया कि भाई गांधी जी और उनके कुछ साथी हैं, वो डांडी नाम की जगह है जहां पर समंदर है, वहां पर जाएंगे और वहां जाकर वो नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे, वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? धनी चौंक जाता है कि भाई नमक, नमक क्यों बनाएंगे, नमक तो किसी की भी दुकान में आपको मिल जाएगा। उसके बाद बिंदा चाचा हंस कर बोलते, भाई मुझे मालूम है, लेकिन आपको तो पता है कि भाई गांधी जी अगर ऐसी यात्रा निकालते हैं तो इसका मतलब वह कोई ना कोई बात के लिए विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो यात्रा निकालते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए, पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। कर का मतलब क्या होता है बच्चों, टैक्स देना पड़ता है। मतलब छोटा सा धनी क्या बोलता है कि भाई ठीक है वो जुलूस निकालते हैं, वो बात तो सही है, लेकिन ये नमक को लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। उसके बाद जो बिंदा चाचा उसको समझाते हैं कि भाई ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है कि नमक के ऊपर भी कर लगाया है, मतलब टैक्स लगाया है, तो वो हमको देना पड़ता है, इसीलिए गांधी जी इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। अच्छा, धनी हैरान रह गया, मतलब अच्छा तो मतलब अब धनी को समझ में आ गया, नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है, मतलब टैक्स देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, मतलब अब धनी को समझ में आया कि भाई हाँ नमक तो पैसे वाला भी खाता है और गरीब भी खाता है, तो मतलब गरीब अगर ये नमक खाएगा तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। अब धनी को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई गांधी जी यात्रा क्यों कर रहे हैं, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था, देखिए भाई वो छोटे 9 साल का बच्चा है, उसकी आंखों में भी गुस्सा आ गया क्योंकि ये तो भाई सरासर अन्याय है। हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है, मतलब उनको मनाही मतलब उनको ना है, वो नमक नहीं बना सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे डांडी चलकर जाएंगे और समंदर के पानी से नमक बनाएंगे। मतलब ऐसी बात नहीं कि भाई महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने ये बात रखी हो, लेकिन भाई ब्रिटिश सरकार ने उसकी ये बात को ठुकरा दिया, इसलिए वो अब गांधी जी ने निश्चय किया, उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो खुद डांडी जाएंगे और समंदर में जाकर वो खुद से नमक बनाएंगे। एक महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे डांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर डांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। धनी यहाँ पर कहता है कि एक महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो जाता है, तो भाई गांधी जी तो थक जाएंगे, वो बस या ट्रेन से क्यों नहीं जाते हैं, तो भाई यहाँ देखिए भाई, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर डांडी तक पैदल जाएंगे तो भाई यह खबर फैलती जाएगी, क्योंकि भाई गाँव में वो जाएंगे तो ये सारी खबर पूरे देश में फैलती जाएगी, भाई गांधी जी यात्रा पर जा रहे, अखबारों में फोटो छपेंगे, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी, इसलिए तो गांधी जी पैदल जा रहे हैं, क्योंकि वो अगर पैदल चलेंगे तो भाई क्योंकि उनकी खबर छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएगी और पूरी दुनिया उसके बारे में जानेंगे कि गांधी जी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी, इसलिए गांधी जी पैदल जा रहे हैं। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंस कर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा
कात रहे थे। दोपहर के बाद जब आश्रम में थोड़ी शांति होती है तो धनी अपने पिता को ढूंढने के लिए निकलता है। पिताजी, क्या आप और अम्मा डांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे। मतलब उसने सीधे से अपने पिता को पूछ लिया कि भाई कौन कौन जा रहा है डांडी, तो उसने बताया कि भाई धनी ने सीधे काम की बात पूछ ली कि भाई कौन कौन जा रहा है, तो भाई उसके पापा ने बताया कि भाई मैं जा रहा हूँ और तुम और अम्मा यही रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी ने क्या बोला कि मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि भाई तुम नहीं चल पाओगे, तुम 9 साल के हो और इस यात्रा में तो जो नौजवान लोग हैं वही आ रहे हैं। लेकिन धनी ने हट पकड़ लिया कि नहीं, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। तो भाई धनी के जो पिता थे उसने चरखा रोककर बड़े आराम से उनको समझाया कि भाई इस यात्रा में वही लोग जाएंगे भाई जिनको गांधी जी ने सेलेक्ट किया है, वही लोग आएंगे। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे, धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। तो भाई धनी ने क्या बोला, ठीक है तो मैं उनसे बात करूंगा। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। मतलब गांधी जी उन दिनों बहुत ही बिजी रहते थे, उनको पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। मतलब अगले दिन जैसे ही सूरज निकला तो भाई धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोंपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़ कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? गांधी जी अंत में जब अपनी झोंपड़ी की ओर चलते हैं और बरामदे के पास जो चरखा होता है उसके पास बैठकर वो धनी को बुलाते हैं और उनसे पूछते कि भाई आपका नाम क्या है, ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? अब यहाँ पर देखिए तो धनी क्या बोलता है कि हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हो। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। गांधी जी ने क्या बोला, बहुत अच्छा, और हाथ हिलाकर कहा, अब यह बताओ कि भाई तुम लोग मेरे पीछे पीछे सुबह से क्यों घूम रहे हो? आपको कोई मुझसे काम है क्या? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, डांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। धनी की बात सुनकर गांधी जी थोड़े मुस्कुराए और बोले कि तुम बेटे अभी छोटे हो, आप नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत दूर है, आपके पापा मेरे साथ आ सकते हैं। पर आप तो नौजवान नहीं है, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? धनी क्या बोलता है, पर आप तो नौजवान नहीं है, धनी बोला, आप थक नहीं जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मतलब गांधी जी ने क्या बोला, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ जाता है, मतलब धनी भी गांधी जी के सामने अड़ जाता है और बोलता है कि भाई मैं भी अच्छा चल सकता हूँ। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। कुछ गांधी जी ने सोचा और कुछ सोचकर मतलब बोला कि भाई मगर एक समस्या है, अगर आप मेरे साथ आओगे तो भाई बिन्नी का ख्याल कौन रखेगा, और फिर मैं जब वापस आऊंगा तो मैं पैदल चलकर आऊंगा तो मैं थक जाऊंगा और मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा। अब इसके जवाब में धनी क्या बोलता है वो देखते हैं। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है।
मतलब धनी ने इसके जवाब में क्या बोला, हाँ ये बात तो एकदम सही है, ठीक है एकदम, बिन्नी तो तब खाती है जब मैं उसको खिलाता हो। और धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और बोला कि मैं सिर्फ जानता हूँ कि भाई इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले, जी हाँ करूँगा, धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। मतलब गांधी जी की बात धनी को समझ में आ जाती है और वो बोलता है कि हाँ मैं आपके लिए बिन्नी की देखभाल करूँगा, क्योंकि वो जानता था कि भाई गांधी जी वापस आएंगे तो उनको बहुत सारा दूध चाहिए, तो भाई दूध के लिए बिन्नी की देखभाल करना भी तो ज़रूरी है। इसलिए वो गांधी जी की बात मान जाता है और वो आश्रम में ही रहता है और बोलता है कि हम लोग, मैं और बिन्नी आपका इंतजार करेंगे जब तक आप वापस नहीं आते। तो इस तरह से गांधी जी ने धनी को समझा दिया, प्यार से समझा दिया। इसको लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता ने और इसका अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। यहाँ पर आप गांधी जी को देख सकते हैं, नमक का जो कानून जो अंग्रेजों ने लगाया था उसको तोड़ रहे। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। इस पाठ में आपने थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में भी जाना होगा। तो बच्चों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एडुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।